केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 मई यानी बीते शनिवार को देश में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले थे। इसके बाद 2 मई यानी कि रविवार को 3,52,000 और सोमवार को 3,68,000 मामले सामने आए थे, जबकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,55,000 नए मामले आए हैं। इन आंकड़ों को देखकर संकेत मिल रहे हैं कि कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और कुछ जिलों की स्थिति में भी शुरुआती संकेत सकारात्मक मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी नए मामले कम हुए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल में ये तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। संयुक्त सचिव लव कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर दिन मिलने वाले संक्रमित मरीज और संक्रमण को मात देने वाले मरीजों के बीच अगर अंतर देखें तो वो काफी तेजी से बढ़ा है। 20 अप्रैल को 1,54,761 मरीज ठीक हुए थे, जबकि 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। उस दौरान इसके बीच 60% का अंतर पाया गया था, लेकिन पिछले एक दिन में ये अंतर 82% तक दर्ज किया गया है। हालांकि 21 से 24 अप्रैल के बीच यह अंतर 50% तक पहुंच गया था, लेकिन डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही इसमें सुधार होने लगा। 2 दिन की स्थिति पर बोलना जल्दबाजी, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जुड़े प्रारंभिक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि फिलहाल इसका गणितीय आंकलन करना, दूसरा पीक निकलने का दावा करना ठीक नहीं है। कम से कम 2 से 3 सप्ताह एक जैसी स्थिति होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ हर रोजाना संक्रमित मिलने वाले मामले अब कम होने लगे हैं, जबकि अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल में मामले बढ़ रहे हैं। इनके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।